दोस्तों अपना मेला में एंट्री हो गया है, चकरी वाला झूला। कितना चावल पे यहाँ पर नाम वगैरह आप लिखा सकते हैं पर माँ दुर्गा विराजमान है, बैल वगैरह का सेल किया जाता है। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम नितेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको बांध बरात का मेला। दोस्तों इधर है पूरा मेला का एरिया, पूरा अंदर जाना पड़ेगा। कितना भीड़ है आप देख पा रहे हो। तो मेले के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और इधर से जाना पड़ेगा मेले के लिए। तो आगे जाएंगे तो काफ़ी भीड़ दिखेगा, अभी तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन आगे बहुत भीड़ आया था दोस्तों। मंदिर के आसपास बहुत ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये बांध बरात का मेला है वो माघ पूर्णिमा को लगता है दोस्तों। तो अभी मैं बांध बरात में जो एक कुंड है जहाँ पर गौ हत्या के पाप से निवारण मिलता है, तो कुंड को भी मैं दिखलाता हूँ आपको दोस्तों। तो ये आपके सामने है कुंड जहाँ पर गौ हत्या के पापों से मुक्ति होता है और लोग दूर दूर से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यह है माँ दुर्गा का मंदिर जो बहुत नया मंदिर है दोस्तों, 2018 में बना हुआ है ये मंदिर। चलो मंदिर में हम एंट्री हो गए हैं। इधर दुर्गा मंदिर है, यहाँ पर माँ दुर्गा विराजमान है, देख पा रहे हैं। हमें इधर आगे जाना है और इधर है दोस्तों प्राचीन मंदिर, तो आगे बढ़ते हैं हम इधर दोस्तों। तो यहाँ है द्वापर युग का शिवलिंग, तो अभी भीड़ है तो अभी दर्शन नहीं मिल पाएगा। और ये मंदिर है कृष्ण राधा जी का, तो अभी तो बहुत मुश्किल है दोस्तों, अभी दर्शन नहीं हो पाएंगे। और इधर सामने है विष्णु जी का चतुर्भुजी मंदिर। दोस्तों तो हम चतुर्भुजी मंदिर के आसपास हैं और इधर है चतुर्भुजी मंदिर और अंदर देख पा रहे हो कितना ज़्यादा भीड़ है, तो दर्शन तो मुश्किल है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक है और जिससे आप यहाँ का पूरा वीडियो देख पाओगे। और यहीं पास है दोस्तों द्वापर युग का हनुमान जी का मूर्ति, द्वापर युग का है हनुमान जी का मूर्ति। और बहुत से प्राचीन आपको मंदिर और मूर्ति देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक गार्डन बनाया गया है दोस्तों आसपास घूमने के लिए, तो एक छोटा सा गार्डन है और मंदिर के लिए इधर जाना पड़ेगा। तो आप हमारे वीडियो देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन उसके साथ आपको वीडियो मिलेगा। दोस्तों अपना मेला में एंट्री हो गया है, आप मेला देख सकते हो किस तरह से है। तो आगे बढ़ते हैं और पूरा आपको मैं मेले का पूरा नज़ारा दिखलाता हूँ फिर। तो मेला कुछ इस तरह का है, अंदर चलते हैं, देखो कितना ज़्यादा यहाँ पर कपड़ों का मार्केट लगा हुआ है, पूरा कपड़ों का मार्केट है। और ऐसा मिठाई वगैरह का इस तरह का ठेला यहाँ पर लगा हुआ है, देखो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरह का जंपिंग के लिए लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है। तो यहाँ से दोस्तों ये झूला वगैरह पूरा शुरू हो गया है, देख पा रहे हो। ये चावल पे यहाँ पर नाम वगैरह आप लिखा सकते हो, बहुत जगह ऐसा मिल जाता है जहाँ पर चावल पे नाम वगैरह लिखते हैं। यहाँ पर है एक बहुत बड़ा सा झूला, तो उसी को दिखला रहा हूँ ये। और आपको मेले में बहुत तरह तरह के अलग अलग चीज़ें आपको मिल जाएंगे। तो झूला ये है, स्टार्ट भी हो गया है। ये है ब्रेक डांस और इसका जो रेट है वो 30 रुपये है। और ये सबसे बड़ा वाला झूला है, देखो शुरू भी हो गया, तो इसका भी रेट 30 रुपये है दोस्तों। चक्री वाला झूला कितना डेंजर है आप देख पा रहे हो, बहुत फास्ट हो गया। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर टेडी बियर है, ये देख पा रहे हो,
यहाँ पास है लड़की लोगों के लिए काफ़ी सुंदर कपड़े। ये देखो ट्रैक्टर किस तरह से चल रहा है, कोई चलाने वाला भी नहीं है इसको। और यहाँ पर क्या है, मेले के साथ साथ यहाँ पर इस तरह के वाहन का प्रचार भी किया जाता है। आपको दिखलाता हूँ किस तरह से, पर देख पा रहे हो ट्रैक्टर और बहुत से वाहन रखे हुए हैं जिसका प्रचार करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए हैं। दोस्तों तो यहाँ पर बैल वगैरह का सेल किया जाता है इस मेले में, इसीलिए उसके गले में बांधने वाला चीज़ है तो आप देख सकते हो बहुत अलग अलग प्रकार से है और बहुत सुंदर सुंदर है। दूर से तो माला जैसा ही दिखाई देता है लेकिन ये उसके गले में बांधने वाला है, गाय व बैल के गले में इसे बांधा जाता है। बहुत सारा मैंने मेला देखा है लेकिन ये ऐसा मेला है जिसमें बैल वगैरह का सेल किया जाता है, तो इसके खरीदार भी आते हैं और बेचने वाले भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो फर्स्ट मेला है दोस्तों जो मैंने इस तरह का देखा और काफ़ी बहुत बड़ा मेला होता है। दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।